वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे लेंथ ऑफ ऑर्गन। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं स्टाफ नर्स के, उनमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने जो 45 सेंटीमीटर वाले जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया है। जैसे 45 सेंटीमीटर जिनकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, उन ऑर्गन को मैंने इसमें शामिल किया है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कितने सेंटीमीटर की होती है, 45 सेंटीमीटर की होती है स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो भी ब्रेन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्रेन होता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी लंबाई होती है 45 सेंटीमीटर। फिर एक होती है बोन, जो फीमर होती है, जो लेफ्ट और राइट दोनों लेग्स में होती है, बड़ी हड्डी जो जिसे हम सबसे बड़ी बोन बोल सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, फीमर होती है, और सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, वो हमारे ईयर में पाई जाती है, और ये हमारी लेग्स में पाई जाती है फीमर। ये भी कितने सेंटीमीटर की होती है, 45 सेंटीमीटर की होती है। तीसरे नंबर पर है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस कौन सी डक्ट होती है जो स्पर्म को माइग्रेट करती है, यानी स्पर्म को ले जाने का काम करती है, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है, कौन सी डक्ट करती है, वासा डिफरेंस। ये भी कितने सेंटीमीटर की होती है इसकी लेंथ, ये भी 45 सेंटीमीटर की होती है। फिर आती है एक थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट भी कितने सेंटीमीटर की होती है, 45 सेंटीमीटर की। तो इस पेज पर सभी जितने भी ऑर्गन हैं, स्पाइनल कॉर्ड, फीमर, वासा डिफरेंस, थोरेसिक डक्ट, ये सभी 45 सेंटीमीटर के होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं 25 सेंटीमीटर वाले ऑर्गन जिनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। तो सबसे पहले आता है इसमें स्टोमक। स्टोमक की जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। और ड्यूडेनम, ड्यूडेनम की जो लेंथ होती है, यानी स्टोमक के जो जस्ट नीचे की तरफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, उसकी लेंथ भी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। यानी 25 सेंटीमीटर होती है, स्टोमक की भी 25 सेंटीमीटर होती है और ड्यूडेनम की भी 25 सेंटीमीटर होती है। फिर तीसरे नंबर पर आता है इसोफेगस। इसोफेगस, इसोफेगस जिसमें हम यानी जो भोजन पे स्टोमक में जाता है उसे बोलते हैं इसोफेगस। यानी जब हम भोजन को खाते हैं या भोजन लेते हैं तो वो इसोफेगस के थ्रू किस में जाता है, स्टोमक में जाता है। तो इसोफेगस की लेंथ भी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर। और डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन कौन सा होता है, जो रेक्टम से जुड़ा हुआ होता है, एनस से बाहर की तरफ आ जाता है, उसे जो रेक्टम से जुड़ा हुआ होता है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। ये भी कितने सेंटीमीटर का होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। अब देखते हैं यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, जो किडनी से ब्लेडर की तरफ जो दो डक्ट आती है जो यूरिन को लेकर के आते हैं किडनी से ब्लेडर में, उसे बोलते हैं हम यूरेटर। उस वो भी कितने सेंटीमीटर का होता है, 25 सेंटीमीटर का, यानी 25 सेंटीमीटर का। तो इस पेजेस पे भी कितने 25 सेंटीमीटर वाले ऑर्गन हैं। सबसे पहला है स्टोमक, फिर ड्यूडेनम, इसोफेगस और डिसेंडिंग कोलोन और यूरेटर। ये सभी 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर जिनकी लंबाई है वो ऑर्गन यहाँ पर लिखे हैं। स्प्लीन है, स्प्लीन की कितनी लेंथ होती है, 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर। स्प्लीन जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, तो ये स्प्लीन की लंबाई कितनी होती है, या फिर ये ब्लड को भी स्टोर करके रखता है और लिम्फेटिक ऑर्गन भी है स्प्लीन।
ये कितने सेंटीमीटर का होता है? 12 सेंटीमीटर का। और फेरेंक्स, ये भी 12 सेंटीमीटर का फेरेंक्स। और रेक्टम होता है, रेक्टम मैंने अभी बताया, रेक्टम डिसेंडिंग कोलोन के बाद का जो पार्ट होता है उसे रेक्टम बोलते हैं, जो एनस से जुड़ा हुआ होता है। तो रेक्टम भी कितने सेंटीमीटर का होता है? 12 सेंटीमीटर का होता है। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो एक ग्लैंड है, ये दोनों तरह का काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। इसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं, जिससे इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये पैनक्रियाज कितने सेंटीमीटर का होता है? ये भी 12 सेंटीमीटर का होता है। हार्ट, हार्ट की लेंथ कितनी होती है? ये भी 12 सेंटीमीटर की होती है। तो यहाँ पर कितने 5 ऑर्गन है जो 12 सेंटीमीटर के होते हैं। सबसे पहला है स्प्लीन, फेरेंक्स और रेक्टम और पेनक्रियाज, हार्ट लेंथ, ये सभी 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर के होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब, यह हम इसके दूसरे नाम से जानते हैं, साल्पिंजियन ट्यूब, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं, यूट्राइन ट्यूब। ये कितने सेंटीमीटर की होती है? 10 सेंटीमीटर की। और ट्रैकिया होता है, जिसमें जो जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया, ये भी कितने सेंटीमीटर का होता है? 10 सेंटीमीटर का होता है। एब्डोमिनल ओर्टा, ये भी कितने सेंटीमीटर का होता है? एब्डोमिनल ओर्टा, ये भी 10 सेंटीमीटर का होता है। फेलोपियन ट्यूब, ट्रैकिया, एब्डोमिनल ओर्टा, ये 3 ऑर्गन 10 सेंटीमीटर के होते हैं, यानी 10 सेंटीमीटर के होते हैं। तो अब देखते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं हम 4 सेंटीमीटर वाले ऑर्गन को, जिनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होती है या 4 सेंटीमीटर होती है। इसमें पहला आता है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट कौन सी होती है? जो गॉल ब्लैडर से निकलती है वो डक्ट होती है, वो 4 सेंटीमीटर की होती है, सिस्टिक डक्ट। एक होता है कॉमन बाइल डक्ट। जब सिस्टिक डक्ट के बाद कौन सी डक्ट होती है? कॉमन बाइल डक्ट, जिसे हम, एक डक्ट कहाँ से आती है? गॉल ब्लैडर से आती है, और जिसे हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। एक डक्ट कहाँ से आती है? लीवर से आती है, जिसे हम हिपेटिक डक्ट बोलते हैं। दोनों जब मिल जाती है उसे हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये भी कितने सेंटीमीटर की होती है? 4 सेंटीमीटर की होती है। फिर होती है, एक होती है इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल ये वो कैविटी होती है जहाँ पर टेस्टिस होते हैं, और वो इंग्वाइनल कैनाल से के थ्रू रेक्टम में आते हैं। तो ये भी कितने सेंटीमीटर की होती है? 4 सेंटीमीटर की होती है। तो ये जितने भी ऑर्गन हैं ये 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर के होते हैं, इनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होती है, जैसे सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और इंग्वाइनल कैनाल, ये 4 सेंटीमीटर के ऑर्गन होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।